vururken. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफ्तन हसन और आप देख रहे हैं बाबा हाजमी फूड्स। आज मैं आपके सामने काफी दिनों बाद हाजिर हो रहा हूं, तो माजरत मैं देर से वीडियो दोबारा से डाल रहा हूं क्योंकि मैं काफी दिनों से बीमार था, मोरों का मसला था। आप सबकी दुआओं से मैं आज काफी बेहतर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जो कि कराची से, इश्तियाक अजीज साहब, जो कि मुझे बार बार जो है ना वो मुझे कह रहे थे कि रेसिपी बनानी है वाइट कॉर्मे मसाले की, तो अभी भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना रिक्वेस्ट की है मुझे, जिसकी वजह से मुझे बनानी पड़ रही है वीडियो। अदरवाइज मैं अभी मुकम्मल सेहत मेरी ठीक नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला 2-4-5 दिन में मैं जैसे ही बेहतर हो जाऊँगा इंशाल्लाह ताला मैं रूटीन में आ जाऊँगा। और खास तौर पर जिन्होंने मेरे लिए खास दुआएँ की, मेरे बहुत ही प्यारे अजीज़ ताहिर भाई हैं, ताहिर जमील भाई मेरे बहुत प्यारे हैं, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी तंदरुस्ती अता फरमाए। और बाजी शुमैला कादरी रिजवी, जिनका चैनल का नाम भी यही है और बहुत ही मेरी अच्छी बहन है, और इसके साथ आबिद भाई हैं, सरवर भाई हैं, हकीम सरवर भाई, और भी काफ़ी मेरे दोस्त हैं जिनके मैं नाम लेता रहूँ तो नाम ख़त्म नहीं होते। बहुत ही प्यारे भाई हैं मेरे, सारे बहनें हैं मेरी, अनसा बहन है, और भी अल्हम्दुलिल्लाह जवार भाई हैं, फिर इसके साथ हकीम जमान हैदर भाई हैं, उनके वाले साहब भी बीमार हैं, उनके लिए भी खुसूसी दुआ करें। मेरे व्यूवर जितने भी हैं अल्लाह पाक उनको कामिल शिफा अता फरमाए, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और चलिए आज काफ़ी बातें हो गई, तो मेरे लिए भी खुसूसी दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे भी कामिल सेहत अता फरमाए। तो चलिए शुरू करते हैं, वाइट कौरमा मसाला हम आज बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, मकदार के साथ भी बताऊँगा, कमर्शियल हजरात भी गौर से देखिएगा, और साथ में मैं पेमाइश के साथ भी बता दूंगा इंशाल्लाह ताला, ताकि घरेलू जितनी मेरी बहनें हैं वो सब के लिए भी आसानी हो जाएगी और जो कमर्शियल आते हैं उनके लिए भी आसानी होगी इंशाल्लाह ताला। आप स्टोर भी करेंगे जिस तरह आपको चाहे आप कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा तफसीलन इंशाल्लाह ताला, और कितने कौरमे के लिए मैं मसाला बना रहा हूँ वो भी इंशाल्लाह ताला बताऊँगा। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं वाइट कौरमा मसाला। जी व्यूअर्स देखें, हमने सबसे पहले खुश्क धनिया ले लिया है, ठीक है, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ये है 2.5 टेबलस्पून है, वजन में जाएंगे तो 15 ग्राम है, ठीक है। इसी तरह से ये सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है, ठीक है, 8 ग्राम ज़ीरा है, वैसे 1 टेबलस्पून है, ठीक है। इसी तरह से है ब्लैक पेपर, काली मिर्च साबुत, ठीक है जी, वज़न में जाएंगे 10 ग्राम है, और पेमाइश में जाएंगे तो 1.5 टेबलस्पून, और तकरीबन 15 अदद सब्ज़ इलायची है, इसका वज़न करेंगे तकरीबन 5 ग्राम वज़न हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है ना ड्राई रोस्ट करने के लिए मैं इसको डालूंगा पैन में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठी डालूंगा, ठीक है। इनको तकरीबन 1.5 मिनट तक हम जो है ना इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। सब्ज इलायची मैं लास्ट में डालूंगा, शुरू में नहीं डालूंगा, अदरवाइज़ इसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे तो इसकी खुशबू जाती रहेगी, जब जैसे ही मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगा तकरीबन 1.5 मिनट, तो फिर मैं सब्ज इलायची डालूंगा, आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह। व्यूअर जी मैं इसको हल्के फ्लेम पे मैंने रख दिया, बिल्कुल हमने हल्के फ्लेम पे लो आंच पे इसको करेंगे हम इसको ड्राई रोस्ट, ठीक है। जैसे ही इसमें खुशबू आनी शुरू हो जाएगी इसको हम फ्लेम बंद कर देंगे। व्यूअर जी देखें हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है, इसमें मैं आप सब्ज इलायची डाल रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त हमारा जो है ना वाइट कौरमा मसाला तैयार होगा। तो बस मैं अभी इसको फ्लेम से उतारने लगा हूँ, और मैं दोबारा से एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ कि मैं माजरा चाहता हूँ, मेरी रेसिपी लेट हुई मेरे व्यूवर से, तो खास तौर पे इश्तियाक अजीज़ भाई जिन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की, मैं माजरा चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला सिर्फ आपको 5-6 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह ताला मैं रूटीन के साथ हो जाऊँगा, फिर आपके साथ डेली सलाम दुआ होगी इंशाल्लाह ताला। व्यूवर ये मैं आप चीज़ें सारी इसमें डालूंगा, ठीक है, इसको हम ग्राइंड करेंगे इंशाल्लाह ताला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर जी देखें मैं इसको ग्राइंड करने लगा हूँ, इसके साथ ही मैं इसमें नमक डालूंगा ताकि इसमें मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। ये मैंने इसमें 15 ग्राम नमक डाला है, 1.5 टेबलस्पून है, ठीक है, आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इसमें वाइट पेपर मैं डाल रहा हूँ 8 ग्राम, ठीक है जी, 8 ग्राम 1 टेबलस्पून इसमें मैं वाइट पेपर डाल रहा हूँ, पीसी हुई मैंने डाली है, साबुत भी आप लेके उसको आप इस तरह ग्राइंड कर सकते हैं। और इसमें हल्दी डाल रहा हूँ
10 ग्राम मैंने हल्दी इसमें डाल दी है, भर के 1 टेबलस्पून है, ठीक है, भर के 1 टेबलस्पून है। बड़ा ज़बरदस्त मसाला हमारा तैयार होगा, और मैं आपको बाद में इंशाल्लाह ताला अगली रेसिपी में वाइट कौरमा बनाकर भी दिखाऊंगा यही इसी मसाले से इंशाल्लाह ताला। और मैं आगे वीडियो आगे चलाने से पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन का बटन जो है ना वो ज़रूर दबाएं ताकि उनको आने वाली मेरी नई हर वीडियो आसानी से मिले, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें इंशाल्लाह ताला। चलिए मैं इसको ग्राइंड करके आपको दिखाता हूँ। व्यूअर जी देखें ग्राइंड हो चुका है, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह हमारा जो है ना वाइट कौरमा मसाला तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर जी देखें हमारा वाइट कौरमा मसाला तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये और आपको ये भी बताता चलूं कि ये 2 kg के लिए है, ठीक है, 2 किलो कौरमे के लिए है, और कमर्शियल हजरात के लिए है कि इसमें आपने अगर डालना है, इसको अगर आपने 3-4 महीने के लिए रखना है तो इसमें थोड़ी सी 1/2 टेबल स्पून जो है इसमें शक्कर डाल लें तो भी ठीक है। अगर आपने सेल करने के लिए पैकिंग के लिए करना है तो इसमें एंटी केकिंग एजेंट जो है ना वो मसाला इसमें डलेगा, और वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो इम्पोर्टेड होता है, वो आपको बड़े स्टोर से मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, बहन भाइयों में। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं जा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।